वो डिसीजन ही क्या है जिंदगी में, वो डिसीजन ही क्या है जिनमें जीतना फिक्स हो। डिसीजन लेने का मजा तो कुछ और ही है जब हारने का रिस्क हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम आप सभी को। इस वीडियो को लाने का पर्पज है जो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है, ICAI नवंबर 2020 एग्जाम्स एडमिट कार्ड एंड प्लीज मेक एंड टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। मैं ICAI को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ICAI स्टूडेंट्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मैं स्टूडेंट्स के बीच में बहुत रहा हूँ और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ मार्केट के अंदर रूमर्स होती हैं, कुछ मार्केट के अंदर फेक न्यूज़ आती हैं, कुछ दो चार लोग प्रोफेसर वीडियोस बनाते हैं अजीब अजीब और जिसमें ICAI के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं और जिसका बदला आप ICAI स्टूडेंट के साथ लेना शुरू करते हैं। मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज सुबह आपने, आज दोपहर में, अभी थोड़ी देर पहले आपका एक नोटिफिकेशन मैं देख रहा था अनाउंसमेंट कि आप 11 बजे आज एडमिट कार्ड दे रहे हैं। ये क्या ड्रामा है कि आप 11 बजे एडमिट कार्ड दे रहे हैं, 12 बजे ऐसा कर रहे हैं। जो आपने डिसीजन लेना, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। आपको एक, आप पार्लियामेंट की एक कनेक्टेड बाय एक ऐसी बॉडी है जिसको बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस देने की ज़रूरी नहीं है। आप अपने स्टैंड पर खड़े रहिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो फिक्स है, वो सबके लिए वो यूनिवर्सल है। मैं देखता हूँ कुछ चार लोग आकर मजे लेने लगते हैं, कुछ वीडियोस बनाने लगते हैं, ICAI को गाली देने लगते हैं और बहुत बुरा लगता है जब हमारे माई लॉर्ड को, हमारे माई बाप को कोई गाली दे रहा हो, राइट, कि ये ऐसा है, ये ऐसा गलत कर रहा है, ICAI ऐसा है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। अगर उसी के बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। मेरा कहना ये है कि आप ICAI एक स्टैंड लो, एक डिसीजन लो। इसके लिए आप खुद भी जिम्मेवार हैं क्योंकि आप बार बार अपने डिसीजंस चेंज करते हैं। आप बच्चों की तरह बार बार एक नोटिफिकेशन लाते हैं, नहीं ये मैंने नहीं कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 11 बजे आज ला रहा हूँ। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी आपने नहीं किया। आपने 11 बजे का टाइम क्यों दिया? आप सीधे बोलिए कि आज हम एडमिट कार्ड दे देंगे, बात खत्म। आपने लिखा है उसमें हम 11 बजे तक आज दे देंगे, इस पर चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको खुद कुछ शक है अभी। और आपको अगर कोई डाउट है कि पेपर नहीं हो पाएंगे या हमें पोस्टपोन करने पड़ सकते हैं या पेपर फेसेस में लेने हैं या कैंसिल करने पड़ सकते हैं, तो आप क्लियरली स्टूडेंट को बोल दो फ्रंट पे आके। बिलीव मी, स्टूडेंट आपके साथ हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट आपकी इज्जत करते हैं, आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप बार बार ये ड्रामा एक संस्था से होता रहेगा, एक बॉडी से होता रहेगा, तो चार लोग जो अभी पैदा हुए हैं वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलकर वीडियोस बनाकर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप सिंपल एक लिखिए कि आपका स्टैंड ये है, आपका डिसीजन ये है और ये सभी के लिए है, क्लियर है। मुझे नहीं लगता लोगों को बार बार ऐसा करना पड़ेगा, ICAI आप गलत कर रहा है, ICAI अब ये गलत कर। ICAI पूरी सेफ्टी से ले, हमें बताने की जरूरत ना हो, टीचर्स को बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि आपने क्या करना है। आप बहुत समझदार हैं, आपके अंदर जो काउंसिल बैठी हुई है वो खुद, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद बहुत जानने वाले हैं हर चीज के। तो आप एक स्टैंड लीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि हमने ये करना है, दैट्स ऑल। बार बार अगर आप कहेंगे मैं 11 बजे ये वीडियो, आज हम एडमिट कार्ड दे रहे हैं, अब 11 बजे आप नहीं दे पाते हैं, साइट बिजी हो जाती है आपकी, तो फिर स्टूडेंट हंगामा करेगा, फिर दो चार लोग वीडियो बनाएंगे कि आपने देखो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए, फिर आपने फिर कोई नोटिफिकेशन दी कि हमने इस वजह से नहीं किए। आप बिल्कुल एक स्टैंड लीजिए, यकीन मानिए आप अथॉरिटी हैं और अथॉरिटी के डिसीजंस पर फिर कोई उंगली नहीं उठाएगा जब आप एक प्रॉपर और तरीके से एक प्रॉपर मैनर में एक स्टैंड लेते हैं। लेकिन अगर बार बार ऐसा चलता रहा कि मतलब ये अभी हम 11 बजे तक ये कर रहे हैं, फिर कल हम ऐसा कर रहे हैं, अभी क्योंकि बार बार स्टूडेंट फ़ोन करता है हमें भी और बोलता है सर सुनने में आ रहा है कि पेपर ना अभी तो ये एडमिट कार्ड दे रहे हैं लेकिन थोड़े दिन बाद ये फिर बोल देंगे कि पेपर कैंसिल होना है, पेपर कुछ स्टेट में कैंसिल हो जाएगा सर जब लॉकडाउन बढ़ गया है। आप फ्रंट पे आके ये बात बोल के जाइए इनको कि पेपर होने हैं या नहीं होने, और एक डिसीजन ले लीजिए। यकीन मानिए आप स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट रोता है जब यहाँ आता है, बात करता है और उसकी बात सच्ची है बिल्कुल। अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी बात करूँ तो वो बिल्कुल सही है, वो 12 महीने से पढ़ाई कर रहा है। एक बच्चा ऐसा भी केस आया मई 2020 का मेरे पास, जिसके 5 अटेम्प्ट लग चुके थे इससे पहले, और वो कहता है सर मैंने अब बोध ग्रुप देना था मेरा ट्रांसफर। उस बच्चे को भी आप एक कहीं ना कहीं आप उसको बोलने का मौका दे रहे हैं,
आप अपना स्टैंड लीजिए या फिर उसे समझाइए फ्रंट पे आके, ये चीज बिल्कुल गलत है। कभी आप बोलते हैं कि पेपर हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। आप अथॉरिटी हैं, आपके डिसीजन को कोई डिनाई नहीं करेगा, आपके डिसीजन की भी इज्जत करते हैं लोग, लेकिन आप एक डिसीजन लीजिए। अगर आप डरेंगे तो आपका अथॉरिटी बनने का फायदा क्या रहा। आप बिल्कुल एक स्टैंड लीजिए, क्योंकि मुझे बड़ा ये नोटिफिकेशन देख के बड़ा अजीब लगा कि आज रात को अब हम 11 बजे तक आपको एडमिट कार्ड दे देंगे। अब ये क्या मतलब, बड़ा अजीब सा अनाउंसमेंट है, 11 बजे तक हम एडमिट कार्ड दे देंगे। फिर लोगों ने स्टेटस डालने शुरू कर दिए, ICI के बारे में बोलना शुरू कर दिया। बड़ा बुरा लगता है हमें, मतलब स्टूडेंट्स को भी बड़ा बुरा लगता है। मतलब वो अगर किसी को बताते हैं हमारी बॉडी, हमारी अथॉरिटी ऐसा ऐसे डिसीजंस ले रही है, तो हमें अपने डिसीजन मेकिंग पर भी बड़ा अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हम डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते हैं और फिर भी हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी इमेज वैसे भी मार्केट में कुछ वजहों से पहले ही बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव है ICI में, कि वो लोग इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, वरना कुछ चंद लोग इसका बहुत मजे ले रहे हैं, जो कि गलत है। और स्टूडेंट कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं है, मैं गारंटी करता हूँ, श्योरिटी करता हूँ। और स्टूडेंट ये चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखे भी, वो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। ना मुझे कोई अपनी वीडियो के लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए, मैंने तो अभी बनाना शुरू किया सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा कहीं नहीं है। स्टूडेंट, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके थ्रू बहुत सारे लोग पढ़ाए गए हैं, बहुत सारे लोग आगे बनाए गए, हम भी आपकी वजह से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लेकिन अथॉरिटी अगर स्टैंड नहीं लेगी प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं उसका स्टूडेंट, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए, प्रॉपरली बोलिए, ये ड्रामा नहीं करें कि 11 बजे अब ये होगा, 2 बजे ये होगा, फिर हम कैंसिल करेंगे। स्टूडेंट सच में बहुत परेशान है, आपके अगेंस्ट नहीं है, बट वो परेशान है। और जब जब लोग परेशान होते हैं, काफी हद तक वो इंसान होते हैं, और जब जिसकी इंसानियत जागती है, तो वो कई बार बुरा लगता है हमें कि वो गलत बोल रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है। वो आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप उनका साथ दीजिए, फ्रंट पे आके बोलिए कि ऐसा होना है या ऐसा नहीं होना है। अगर आप बार बार ऐसा चलता रहेगा कि अभी हमने ये किया, अब आप देखिए, आपने 10 मिनट के लिए वो ऑप्ट आउट विंडो खोली और 10 लोगों ने बहुत अलग अलग वीडियो बना दी इस बात का मजाक उड़ाने के लिए। आप स्टैंड लीजिए, अगर आपने कोई चीज शुरू करी है, तो आप बोलिए कि यस, दिस इज माई डिसीजन एंड यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन डिसीजन। आप अगर डिसीजन से भागेंगे तो फिर अथॉरिटी किस बात के हैं आप, राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से भी, वो भी कोई हंगामा ना करें किसी भी चीज को लेकर। जो भी डिसीजन लेता है ICI, उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। आप बार बार अलग अलग वीडियोस के सहारे से उन डिसीजंस को खराब ना करें। और मेरी ICI से भी रिक्वेस्ट है कि वो एक स्ट्रांग डिसीजन ले। प्लीज मेक एंड टेक स्ट्रांग डिसीजन। थैंक यू सो मच।